पिक्चर 71 सिकंदर खान वाला सवाल आपको होमवर्क में दिया था, पेज 196। सिकंदर खान इज इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक गुड्स। डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर टैक्स ईयर 2024 आर एज फॉलोस। रेवेन्यू आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, सैलरीज माइनस की हुई है, डेप्रिसिएशन ओन्ड एसेट की माइनस की हुई है। इसकी जगह टैक्स वाला डिडक्शन माइनस कर लेंगे। ये जो डेप्रिसिएशन है लीज्ड एसेट की और इंटरेस्ट, इसकी जगह हम माइनस कर लेंगे रेंटल जो किराया पे कर रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग की जगह देख लेंगे, हो सकता है गेन भी आ रहा हो टैक्स वालों का, हो सकता है लॉस आ रहा हो, जो भी आ रहा हो। ट्रेवल एक्सपेंसेस पेड इन कैश है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ट्रेवल एक्सपेंसेस कैश में पे हो सकते हैं, ट्रेवल फ्रेट यूटिलिटीज वगैरह वो कैश में पे हो सकते हैं, पोस्टेज भी। अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो नीचे देख लेंगे क्या है। यार ये इनकम टैक्स जो है ना ये नॉट अलाउड है, ये आपको पता है सेक्शन 21 का सबसे पहला पॉइंट था ए, उसी की रोशनी में नॉट अलाउड है। तो इनकम टैक्स इज अ डिडक्शन नॉट अलाउड। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ रहा है और कोई अदर इनकम आ रही है, तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉफिट से। ये बताएं 18416 है या 18416000 है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है रुपीज इन 1000, तो ये 18416000 है। स्टार्ट करें, ये मैं जगह छोड़ रहा हूँ, 6-7 लाइनें न्यूमेरिकल के फेस के लिए काफी होंगी, 8-10 लाइनें, तो 10 लाइनों के बाद वर्किंग वन शुरू कर दें। वैसे तो पेपर में एक पेज छोड़ना होता है फेस के लिए, लेकिन अभी इतना बड़ा न्यूमेरिकल है नहीं, ये फेस में इतना कुछ आना नहीं। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जी बताएं नेट प्रॉफिट 18416000। मैं रुपीज में सवाल कर रहा हूं, 18416000। ओके उधर रखो कैमरा, चलें पहली एडजस्टमेंट पढ़ें। नोट्स टू द इनकम स्टेटमेंट, सैलरी में कोई मसला है, ये देखें इधर, ये देखिएगा 3000 में या 3 मिलियन में कोई मसला है, 3 मिलियन में, क्योंकि ये रुपीज इन 1000 है, 3 मिलियन की सैलरीज में कोई मसला है सैलरी में। अच्छा एक बात याद रखिएगा, सैलरी प्रॉफिट तक पहुंच वे क्या हो चुकी होती है, लेस हो चुकी होती है, ऐसा ही है। सैलरी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सैलरी में कोई मसला है, सैलरी में मसला क्या है, सैलरी एक्सपेंस में पड़ा हुआ है 50,000, सिकंदर ने अपने आप को तनख्वाह दी है और 75,000 पर मंथ इसने अपने ब्रदर को तनख्वाह दी है। वन बाय वन बात करते हैं, सिकंदर यार वो तूने 50,000 अपने आप को तनख्वाह दे दी, कहते हैं हाँ वो मैं दुकान पे नौकर हूँ, वो तेरा करो, वो ये तेरा बिजनेस है यार, मेरी तनख्वाह नहीं बनती बिजनेस में से, ओ भाई तू तू ओनर है, वो कहते हैं नहीं यार मैंने तनख्वाह थोड़ी दे चढ़िया करो मेरा गुजारा चल जाए, मेरे कहते हैं मेरी सोच वही है तनख्वाहदार बंदा, तो अभी भी कारोबार शुरू किया लेकिन तनख्वाह तो होनी चाहिए ना यार, ये क्या बात हुई बिजनेस में तनख्वाह ही ना हो। मोहतरम प्लीज ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये 50,000 घर लेके चला गया है, ये इसकी ड्राइंग्स हैं, ये सेक्शन 21 का एच लगेगा और ये नॉट अलाउड है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं हो सकता क्योंकि ओनर अपने आप को तनख्वाह नहीं दे सकता। तो सेक्शन 21 का एच खोल लेते हैं, वन 30 21 का एज, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पर्सन, तो ये घर लेके गए आप 50,000 और कहाँ लेके जाएंगे, ये नॉट अलाउड होगा।
अच्छा प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ओनर की अपनी तनख्वाह माइनस हो चुकी है, ये ओनर है या मुलाजिम है? इस 50,000 को क्या करें, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी है, नॉट अलाउड को क्या करना होता है? ऐड। तो ऐड के लिए 15 लाइनें छोड़ देते हैं, आपने घर में 12 छोड़ी होंगी, निकली पेपर 17-18 चीजें निकलाई होंगी, तो फिर आपने लेस के नीचे 2-4 लाइनें छोड़ के ऐड भी डाल दिया होगा वहां पे दोबारा। तो ऐड क्या होते, मैंने भी पता है, कोई अंग्रेजी दसो, सैलरी किसकी? सिकंदर की, ठीक है, ये नॉट अलाउड है। 50,000 12 से मल्टीप्लाई करना था, हजरात कोई खुदा का खौफ करें, 6,00,000। कितने लोग डायरेक्ट 50,000 ऐड किया हुआ है, अब बताएगा कौन? तो 600,000 चैलेंज नोट कर, सिकंदर की सैलरी नॉट अलाउड है। लिखना है तो बेशक आप लिख सकते हैं सेक्शन 21 का एच, लेकिन मैं लिख के मिटा रहा हूं क्योंकि पेपर में तो नहीं लिखना। सेक्शन 21 का एच, जी हाँ, ओके आगे चलें जी। यार ये इसने अपने मैन मैन ब्रो 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 को सैलरी दे दी है, इसने अपने अपने भाई को सैलरी दे दी है इसने, और हिज ब्रदर लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन ऑफ सिकंदर इन हिज एब्सेंस। अगर ये होता तो फिर भी ये ड्राइंग बन जाती, फिर तो ये इसके घर का खर्चा बन जाता। हिज ब्रदर लुक्स आफ्टर द किड्स एंड पिक एंड ड्रॉप देम फ्रॉम स्कूल, इसके लिए 75,000 पर महीने दे रहा है, ये फिर नॉट अलाउड बन जाता। लेकिन भाई ये ब्रदर नहीं है, अब तो ये नौकर है, अब तो सिखा नौकर है, ओए थिया। आप दिल पे ना ले लिया करें, बात को समझाने के लिए बात की जा रही होती है, इसी तरह बुलाएगा इसे, चल चल चीज उठा, ओए एडमिनिस्ट्रेशन में ये देख नहीं रहा तू, तुझे मैंने किस काम का 75,000 तुझे मुफ्त में देता हूं, माना तू भाई अपना, तो भाई ये तो मुलाजिम है। Brother looks after the admin and financial matters. तो ये खर्चा बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, मुलाजिम को तनख्वाह देते हैं बिजनेस में, कोई मसला। अच्छा ये तो नहीं लिखा हुआ 75 कैश में पे हुआ है, अगली लाइन ना पढ़िएगा, वो कुछ और थी, 75 के बारे में तो नहीं लिखा हुआ कैश में पे हुआ है, कहीं लिखा हो कैश में पे हुआ है, तो फिर लॉ के मुताबिक चेक वगैरह में पे हुआ होगा, वो कोई मसला नहीं, तो ये तो अलाउड है, ये माइनस करने की इजाजत है बिल्कुल। अच्छा प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सैलरीज में तो शामिल है ना, तो सैलरीज का पार्ट बन के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी है, तो टैक्स वाले क्या कहेंगे? अच्छी बात है आपने माइनस कर लिया, जिन्होंने नॉट अलाउड की थी वो रीजन बता दें, तो समझना तो नहीं है ना फिर, तो सवाल में जब नहीं लिखा होगा तो लॉ फॉलोअर है। हाँ ये अलग लाइन है, इट आल्सो ये अलग लाइन है। चलें जी, सैलरी ब्रदर की शो तो कर एग्जामिनर को, ऐसे थोड़ा सा जरा खुश हो जाएगा, अलाउड है डैश, ऐसे जरा शो कर दें एग्जामिनर को, जरा नजर आ जाए कि इसको हमने इग्नोर किया। ओके चलें जी, इट का क्या मतलब है? सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस आल्सो इंक्लूड 6 महीने की सैलरी ऑफ टेम्परेरी वर्कर, जिसको हमने कैश में दिया क्योंकि फुल स्टॉप के बाद है, तो ये कैश वाली लाइन सिर्फ इसके साथ है, तो आरजी वर्कर को हमने 6 महीने की तनख्वाह कैश में दे दी है। तो अगेन सिकंदर, तूने अपना सिकंदरपन नहीं दिखाया, बोंगी मार गया तू, तूने उसको तनख्वाह किस में दे दी है? कैश में दे दी है, तो इस 28,000 भी नॉट अलाउड, ये बनेगा सेक्शन 21 का एम एल एम, हाँ एम, सेक्शन 21 का एम बनेगा, जिसमें लिखा होता 25,000 से ऊपर की तनख्वाह कैश में नहीं दी जा सकती, लेकिन प्लीज इसको 6 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि यहाँ 6 मंथ के लिए उसने जॉब की है। सैलरी आप लोग पूरा लिखे, मेरे पास जगह नहीं है असल में, सैलरी वर्कर को दिया आपने तो 21,000, 28,000,
मल्टीप्लाइड बाय 6, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी है, स्क्वायर करना पड़ेगा 168,000। अच्छा ये क्या है, टैक्स वालों के डिप्रिसिएशन और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस है 50 और 60, तो इसके बिल मुकाबले ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 230 पड़ा हुआ है, इसके बिल मुकाबले ऊपर 230 पड़ा हुआ है। तो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन, तो अकाउंटिंग वाला ने डिप्रिसिएशन क्या कर ली हुई है, इससे क्या कर देंगे, इसकी बजाय टैक्स वालों का डिप्रिसिएशन और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस माइनस कर लेंगे। तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, ये ओन्ड एसेट है यानी हमने लीज पे नहीं लिए हुए, कितनी 230,000, इसे ऐड कर दें और लेस कर दें टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस 50,000 और 60,000। चलेंगे आगे आ जाएं। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन एसेट्स एक्वायर्ड ऑन लीज इज 75। तो ये सेक्शन 28 के बी में कल हमने पढ़ा था कि रेंटल अलाउड है, लिख लें, सेक्शन 28 के बी में पढ़ा था रेंटल अलाउड है, किराया जो पे करते हैं आप बैंक को या लीजिंग कंपनी को वो अलाउड है। अच्छा फिर कुछ नॉट अलाउड भी तो बनना चाहिए ना, अगर ये अलाउड है तो इसका मतलब है ये जो मैं स्काई ब्लू कर रहा हूं ये दोनों अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर लिए हुए हैं, तो ये क्या है, नॉट अलाउड। तो ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड। अब क्या करें, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने क्या माइनस कर लिया हुआ है, 60 और 40, इसे ऐड कर दें। कल दिखाया था आपको प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को रिवर्स कर दें, क्योंकि अकाउंटिंग कैप 7 आपने पढ़ी नहीं, तो आपको याद करा दिया था कि लीज में अकाउंटिंग वाले डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करते हैं और इंटरेस्ट भी, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं छोड़ो पर एक किराया बताओ कितना है। तो रिवर्स करें जी, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ये किसके ऊपर, लीज वाले एसेट्स पे, कितना, इसकी बजाय क्या माइनस कर दें, लीज रेंटल। सेक्शन 28 कल पढ़ा था उसमें लिखा था रेंटल माइनस करने की इजाजत है, 75,000। ये न्यूमेरिकल आपको इस लेवल पे ले गया, कि अब आपको चैप्टर 19 का बिजनेस का न्यूमेरिकल आज होमवर्क में दिया जाए, तो आज चैप्टर 19 का क्वेश्चन 20 होमवर्क में है, चैप्टर 19 का क्वेश्चन 20 आप करके आएंगे। ओके 20, चैप्टर 20 का 19 ना कराइएगा, 19 का 20। अच्छा आगे चलें जी, अगली एडजस्टमेंट, अ बिल्डिंग हैविंग अ टैक्स WDV ऑफ 40,000 इज सोल्ड फॉर 90,000, इट्स कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज वॉज, कंसिडरेशन बताएं, एसेट का नाम, कॉस्ट बताएं, इफ कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट। तो दो सफे पीछे आए जरा, दो सफे पीछे आएंगे ना, कहां पे है, पेज 193 पे। ये जो तीसरा बहुत निहायत अजीब सिनेरियो जिसे हमने कहा था कि अगर बिल्डिंग में कंसिडरेशन कॉस्ट से, द कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज, एक और हिंट, एक्सटेंड द WDV ऑन डिस्पोजल। गेन या लॉस अकाउंटिंग वालों का गिवन है या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा 0.4 के डेटा से, टैक्स वालों का, सॉरी टैक्स वालों का गेन लॉस निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, वर्किंग नंबर
टू, इसके नीचे आपको पांच छह लाइनें छोड़ के, वर्किंग टू, टैक्स वालों का गेन लॉस किस पे? बिल्डिंग पे। आज 10:05 मैंने बताया था जूम की मीटिंग होगी, मैं लिंक शेयर कर लूंगा ग्रुप में, और उसमें आपने अगर टेस्ट दे दिया तो डिस्कस कर लें, वरना बाद में मैं अपलोड भी कर दूंगा जब भी आपको फिजिबल हो सुन लीजिएगा। अच्छा, कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की डब्ल्यू डी वी, लेकिन एक्सटेंड द फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस अकामुलेट, इसको अकामुलेटेड लिख लिया करें, अकाउंटिंग समझते हैं कुछ लोग, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी, सवाल किताबों में आपके सामने है, मैं कैमरा वहां नहीं लेके जा रहा। फर्नीचर हैविंग अ डब्ल्यू डी वी ऑफ, सॉरी, बिल्डिंग हैविंग अ डब्ल्यू डी वी ऑफ 40 सोल्ड फॉर 90, तो कंसिडरेशन बताएं 90, इट्स कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज वॉज 70, इट्स कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज वॉज 70, तो अ बिल्डिंग हैविंग अ डब्ल्यू डी वी ऑफ 40, बिल्डिंग की डब्ल्यू डी वी 40 थी बेचने के वक्त, तो डब्ल्यू डी वी है तो अकोमोडेशन निकल सकती है, तो अकोमोडेशन कैसे निकलेगी, कॉस्ट माइनस डब्ल्यू डी वी विल गिव मी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये तो वही काम हो गया जो हमने सादा तरीके से किया, कोई साइंस नहीं मारी, लेकिन अब वो नया काम क्या करना है, इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड द कॉस्ट, द कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। जी, क्या आ गया, 60,000, 30,000, चले नोट कर, ये आ गया टैक्स वालों का गेन। इंजमाम भाई, हथियार तैयार तो रखो ना, आपने तो मास्क लटकाया भी नहीं हुआ कि एकदम ऐसे करना पड़े, तो वो देखो ना भाई ने लटकाया तो हुआ, मौका पड़े तो इस्तेमाल कर लेंगे। बताओ बताओ क्या चीज, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, अकोमोडेशन सवाल में गिवन नहीं थी ना, तो बिल्डिंग हैविंग अ डब्ल्यूडीबी ऑफ 40 इज सोल्ड फॉर 90, तो कॉस्ट और डब्ल्यूडीबी का डिफरेंस लेके अकोमोडेशन निकल सकती है, तो हमने कॉस्ट और अकोमोडेशन का डिफरेंस लिया है, सॉरी, कॉस्ट और डब्ल्यूडीबी का डिफरेंस लिया है, तो वहां से अकोमोडेशन निकल आया। अच्छा, एक चीज वैसे मुझे बता दें, अभी उल्टाना सही करना इन सारी चीजों को छोड़ें, टैक्स वालों का गेन न्यूमेरिकल में हमेशा क्या करना होता है, बस ये बात याद रखें। अकाउंटिंग वालों का मैं देख लेता हूँ जाके, पता नहीं गेन और लॉस हो, वो और कहानी है, उसको छोड़ें, उसे उल्टा देंगे। फिलहाल एक बात हमेशा के लिए याद रख लें, टैक्स वालों का गेन ऐड और टैक्स वालों का लॉस हमेशा लेस हो, बस बार बार बोलें, टैक्स वालों का गेन आ गया, टैक्स वालों का लॉस आ गया, अकाउंटिंग वालों को देख लेंगे जो भी हुआ गेन लॉस उल्टा देंगे, जरूरी नहीं कि दोनों का, अकाउंटिंग वालों का भी गेन आ रहा हो तो टैक्स वालों का भी गेन ही आ रहा हो, जरूरी नहीं होता ऐसा, इसलिए पहले ऐसा करें कि ये याद रखें टैक्स वालों के साथ क्या करना है, टैक्स वालों का गेन हमेशा ऐड करना है, और अगर टैक्स वालों का लॉस आ जाता है हमेशा लेस करना है। अच्छा, अब आके देख लेते हैं जी अकाउंटिंग वालों का क्या हो रहा है, इसके बिल मुकाबले ऊपर देखें, लॉस आ रहा है सेल ऑफ बिल्डिंग पे कितना 10, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लॉस, ये देखें माइनस हो चुके हैं, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लॉस माइनस हो चुके हैं, इसे क्या कर दें, ऐड कर दें, अकाउंटिंग लॉस किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर कितना, इसकी बजाय टैक्स वालों का देख लेते हैं, अगर लॉस हुआ तो, और अगर गेन हुआ तो ऐड कर देंगे, बस ये याद रखना टैक्स वालों का गेन हमेशा ऐड होता है, टैक्स वालों का गेन बिल्डिंग के ऊपर जी 30,000। ओके, आगे चलें, पढ़ें जी 0.5, फर्नीचर हैविंग अ डब्ल्यूडीवी ऑफ इज एक्सपोर्टेड अगेंस्ट अ कंसिडरेशन ऑफ 70,000, इट्स कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज वाज 50,000। अच्छा, ये एग्जामिनर को आप बता देते होते हैं या वो खुद ही ढूंढ लेते हैं कि आपने किस वर्किंग में किया था, बता देते होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये तो खुद ही फिर वो परेशान ही होता है कि पता नहीं किया भी है या नहीं किया, या वर्कआउट किया है या दाएं बाएं वाले से उड़ के फिगर आई है। ओके,
ऐसा ना किया करें, बिल्डिंग का गेन लॉस तू निकाल, फर्नीचर का मैं निकालता हूँ। पेपर हो रहा है। अच्छा जी, फर्नीचर हैविंग टैक्स WDV ऑफ 35 इज एक्सपोर्टेड टू जहां भी अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ 70,000। कंसिडरेशन बोले 70,000 और टैक्स WDV 30। लेकिन फर्नीचर के बारे में एक डिफरेंस है, सॉरी फर्नीचर नहीं, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स के बारे में एक डिफरेंस रूल है, वो पेज 193 पे कर लो ना यार समरी। एनी एसेट एक्सपोर्टेड इट विल बी अज्यूम्ड दैट पर्सन हैज डिस्पोज्ड ऑफ द कंसीडरेशन इक्वल टू कंसीडरेशन को छेड़ना है और छेड़ के क्या लिख देना है, कॉस्ट लिख देना है। वो जो इस चैप्टर के और सवाल दिए थे आपको, वो जो पास्ट पेपर के थे छोटे छोटे, साथ साथ फारिग कर दिए सारे, आज नजर मार लीजिएगा दोबारा उन पे। इन सवाल के बाद अगर थोड़ी रिवीजन हो जाएगी वो बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, इसी सवाल में पूछ रहे हो? हाँ हाँ पूछो। टैक्स वालों की, हाँ हमें टैक्स वालों की चाहिए सारी, ये सारा डाटा टैक्स वालों का होता है। अच्छा जी बताएं जी, ऐसा कितने का बिका? 70,000 का। टैक्स वालों की WDV 35,000। लेकिन ऐसा एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट के केस में कंसिडरेशन को काटते हैं और क्या लिख देते हैं, कॉस्ट कितनी, 50,000। बता दें जी 15,000। अच्छा अकाउंटिंग वालों का गेन है या लॉस है हमें इससे कंसर्न नहीं, अकाउंटिंग वालों का गेन है या लॉस है हमें इससे कंसर्न नहीं, टैक्स वालों का गेन हमेशा अम्मी मैंने ऐड करना है, बोला करें घर में अम्मी अकाउंटिंग वालों का गेन है लॉस है उसको साइड पर रखें, टैक्स वालों का गेन मैंने ऐड करना है। तो अब देख लेते हैं, अकाउंटिंग वालों का गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है 11 का, प्रॉफिट तक पहुंचते नजर मारेंगे 11 क्या हुआ है, ऐड हुआ है, इसको क्या कर दें, अकाउंटिंग गेन किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, किसकी जगह, टैक्स वालों का क्या आ रहा है, गेन, टैक्स वालों का गेन हमेशा ऐड करना है अम्मी, बेटा तुम्हें क्या हो गया है, अम्मी टैक्स वालों का गेन हमेशा ऐड करना है, कितना 15,000। चले आगे, पॉइंट 6 अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड, ये इस 600 में मसाइल हैं, बहरहाल मसाइल जो भी हो ये 600 में जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी हैं, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस में पड़ी है ना, तो ये फिगर्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी हैं, माइनस हो चुकी हैं। इसमें क्या क्या पड़ा है, पेनल्टी इम्पोज बाय कमिश्नर फॉर लेट फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, तो ये तो हुकूमत को पे किया फाइन, तो ये तो हो जाएगा नॉट अलाउड। 21 का जी है मेरे ख्याल से, फाइन पेड टू गवर्नमेंट, 21 का जी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड, ये भी नॉट अलाउड, ये शायद 21 का डी है, ई होगा ई, 21 का ई है, ऐसे ही है ई है, ये नॉट अलाउड है। ये सिकंदर खान है, अबे तुझे क्या हो गया सिकंदर, सिकंदर ने कहा यार मुझे जरा रेस्ट करने दो, ओए पागल खड़े हो जा, तुझे क्या हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये खर्चा है, वो कहता है मेरे लिए 30,000 खर्चा ही होता है, ओ पागल तेरे लिए खर्चा होगा, वो तेरा लेवल मटेरियलिटी होगा जो भी है, ये सॉफ्टवेयर खर्चा नहीं होता माय डियर, तू जीव हो गया, जी बंदा है तू, क्या हो गया तुझे, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर परचेस्ड एक्सपेंसेस में डाल दिया जालिम ने, सॉफ्टवेयर की खरीदने की कॉस्ट को एक्सपेंसेस में डाल दिया, टैक्स वालों को बहुत गुस्सा चढ़ेगा, कहेंगे इसकी
पूरी कॉस्ट तो नॉट अलाउड है। हाँ, इसकी अमोर्टाइजेशन निकाल के अगर आप कहते हो तो वो हम आपको निकाल के माइनस करने देंगे, लेकिन ये के सॉफ्ट वेयर पूरे एसेट को उठा के बिल्डिंग प्लांट सॉफ्टवेयर अगर तुम खर्चों में डाल रहे हो तो तुम्हारा इलाज कराना बनता है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पूरे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इसने माइनस कर दी है, पूरे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इसने माइनस किया, हम पूरे को एड बैक कर देंगे और इसकी जगह फिर उसे थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, अमोर्टाइजेशन वगैरह अगर कोई हुई तो वो निकाल लेंगे। इट इज एन अकाउंटिंग ब्लंडर एज वेल, अकाउंटिंग वालों के अतबार से भी ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अकाउंटिंग के टीचर भी ऐसी चीज नहीं होने देते क्लास में। अच्छा जी, आप ऊपर आए, ये पिछले सफे पे ऊपर क्या आने आपने, आप तो सिर्फ नजरें लेफ्ट पे लेके जानी है, नजरें लेफ्ट पे लेके जाएं अपनी किताब पे और पॉइंट टू पढ़ें। ओन्ड एसेट, ये सॉफ्टवेयर हमारा ओन्ड है, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन P&L, लेकिन गलती से हमने P&L में डाल दिया। इसका जरा सुन ले करना क्या होता है, रिवर्स करनी होती है भाई कॉस्ट यानी एड, उसकी जगह माइनस कर देनी होती है टैक्स डेप्रिसिएशन या टैक्स इनिशियल अलाउंस, लेकिन ये तो इनटेंजिबल है तो टैक्स अमोर्टाइजेशन लिख लें, टैक्स अमोर्टाइजेशन। तो ये मैंने पॉइंट टू कल आपको छुड़वाया हुआ था, आज ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बोले प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर अकाउंटिंग वाले माइनस कर दें गलती से पूरे एसेट की कॉस्ट, कोई फर्नीचर कोई एसी कंप्यूटर गलती से खर्चे में डाल दें तो पूरी कॉस्ट माइनस हो चुकी होगी, उसे ऐड कर देंगे, उसकी जगह टैक्स डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन माइनस कर देंगे। तो हमने पॉइंट टू के साथ लिख लिया अगले सफे वाली सॉफ्टवेयर की एडजस्टमेंट, अगले सफे पे सॉफ्टवेयर की एडजस्टमेंट ताकि यहां भी रेफरेंस हो जाए। ये जिसमें कितना मैंने सही कर ली थी फिर मैं, गुड, सॉफ्टवेयर पूरे की कॉस्ट को ऐड कर देंगे, गलती से खर्चों में चली गई, ये एक अकाउंटिंग एरर भी कह सकते हैं आप इसे। अच्छा सॉरी, अभी तो हम वो बाद में लिखते हैं चीजें, आगे चलें। या अमाउंट पेड टू रिसर्च इंस्टीट्यूट इन चाइना फॉर पर्पज ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ये सेक्शन 26 में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में रिसर्च करनी है, 26 ही था मेरे ख्याल से, तो ये नॉट अलाउड है। यह प्रोविजन फॉर बैड डेट याद रखिएगा नॉट अलाउड होती है, एक्चुअल बैड डेट जो बंदा लेके भाग गया वो अलाउड होता है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट हमेशा याद रखिएगा एक अंदाजा है, तो अंदाजे टैक्स वाले कभी माइनस नहीं करने देते। ये एक्चुअली राइट ऑफ नहीं हुआ, अभी अंदाजा लगाया कि इतने लोग पैसे लेके भाग सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को आपने फाइन पे किया, डैमेजेस को अंडरलाइन करके फाइन, डिस्ट्रीब्यूटर को आपने फाइन पे किया, बताएं जी अलाउड है? वाहिद, नॉट अलाउड के घर में ही एक अलाउड आ गया है, इतने सारे नॉट अलाउड थे उसमें एक अलाउड है, क्या पेपर में टाइम ना हुआ, सबको ऐड कर देंगे, शायद कोई तो सही कर दे वो, चलिए कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, खैर होने तो कर दीजिएगा, कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर होम, तो ये तो सेक्शन 21 का एच है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है आपका, ये तो नॉट अलाउड है। तो नॉट अलाउड, अब बताएं इसको क्या करना है, ये जो 6000 है वो काबी निगाहें हो ना, फौरन 6 पे जाएं आप, 6000 है, 6000 को क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बन के ये माइनस माइनस होना चाहिए था और हो भी चुका है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी सारे जो नॉट अलाउड है उनको क्या कर दें, ऐड कर दें। अब मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। पेनल्टी कितनी, आगे बोले, अनअप्रूव्ड की कंट्रीब्यूशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को उल्टा दें 30,000, और अपने समझने के लिए इधर टैक्स अमोर्टाइजेशन लिख जाएं, लेकिन वो निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में ताकि याद रहे। आगे रिसर्च वाला खर्चा जो कि चाइना में की थी गलती से, जी आगे जी आगे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, होम के बिजली के बिल माने, कुछ के अंदर की बेगम ने पैसे पैसे डाला होगा, तो दुकान से जा जा दुकान से पे कर बिजली का बिल, घर का गरीब ने कर दिया होगा पे, तो ये बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, फिर उधर रखें कैमरा।
जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी ना। बादशाही मस्जिद जाना है आज, फैसल मस्जिद जाना है। अच्छा ओके, अब ये सॉफ्टवेयर की डेट ऑफ परचेज बता दें। 1 मई 2024, जकम मई 2024। अच्छा यार एक बात बताएं, मई में कितने दिन आएंगे? 31, और जून में 30 दिन आएंगे। टोटल कैलकुलेटर के बगैर बता दें आज। ओए हाँ, की रह गई। टोटल कितने? 61 डेज। मुझे कॉस्ट बताएं इसकी। 30,000। लाइफ 5 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 366 कर देना, 66 कर देना। पता नहीं हमारे घरों में तो पढ़ाया जाता था बचपन में, आप लोगों को तो पता नहीं कि जो 2012 का साल है, इस साल फरवरी में 29 दिन आने हैं। पढ़ाया जाता था घरों में? नहीं पढ़ाया जाता था। 13 के साल में, 14 के साल में, 15 के साल में फिर नहीं आने, फिर 16 के साल में 29 दिन आने हैं फरवरी में। फिर जाहिर बात है जब एक दिन बढ़ेगा तो फिर साल के 365 के बजाय दिन भी 366 हो जाएंगे। फिर 18 के साल में, 19 के साल में और 20 के साल में, 17 कहाँ रह गया, 17 के साल, 18 19 के कुछ नहीं होना। फिर 20 के साल में भी फरवरी में 29 दिन आने हैं, और 21 22 23 24, तो ये 2024 का न्यूमेरिकल है, तो इसमें भी फरवरी में कितने दिन आने हैं? 29 दिन आने हैं। इसका तरीका बेहतरीन ये है कि आप सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर, सॉरी मोबाइल के ऊपर, 2020 का कैलेंडर खोल के देख लें। 2020 का कैलेंडर खोलें ज़रा, 2020 का कैलेंडर, 21 जून है ना, 2020 का कैलेंडर, 2020 के कैलेंडर में जरा नजर मारें। फरवरी में कोई करीब बंदा नहीं ऐसा पैदा हुआ जो 29 फरवरी को पैदा हुआ, वो भी बताता है 4 साल बाद मैं बड़ा हूंगा, 1 साल का हो जाऊंगा। ये 2020 के कैलेंडर में देख लें, 29 दिन आ रहे हैं फरवरी में, थोड़ा सा पीछे। तो 2020 के कैलेंडर में फरवरी में कितने दिन आ रहे हैं? 29। तो अब इसके बाद कब आएंगे अगर हम जिंदा रहे तो? 2024 में, 2 साल बाद। अच्छा सुन छोड़ें, तो 2024 में कब कितने दिन आने हैं जी? 29 दिन। हमारा भी सवाल किस साल का है? 24 का, इसलिए इस साल 365 डेज होंगे या 366, लेकिन पेपर में तो 2021 का सवाल शायद आए तो फिर उसमें ये मसला नहीं होगा, तो फिलहाल 366 ही लिख दें। कितना कितने लोग कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, 365 भी लिख देते तो तकरीबन यही जवाब आना था। ठीक है चलें ओके। अच्छा यहाँ तक कितने लोगों का बिल्कुल सही चल रहा है? 1 2 ओके चलें जी। तो मैंने आपको बताया था 70-80% हो जाना चाहिए न्यूमेरिकल। वी डबल आई रेवेन्यू इंक्लूड्स 75,000 रिकवर्ड फ्रॉम मोइन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट। ये जो 75,000 रिकवर्ड फ्रॉम मोइन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट है, इसे कहते हैं अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी। सिकंदर तू तो जा मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने दे। अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी, तो ये रेवेन्यू में डाल दिया अकाउंटेंट ने, रेवेन्यू में तो नहीं जाती, ये तो कहाँ जाती है? अदर इनकम में। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे रेवेन्यू में डाले चाहे अदर इनकम में, प्रॉफिट तक पहुंचे तो ऐड हो चुकी है ना, तो इसलिए ज्यादा कोई भन्ने हाना बना, ओए रेवेन्यू में डाल दिया तूने, अदर इनकम में डालनी चाहिए थी तुझे। अब आप पेपर में रेवेन्यू से निकाल के अदर इनकम में डाल रहे हो, फिर अदर इनकम से निकाल रहे हो, ठीक है। तो इसने बोले बैड डेट रिकवरी कहाँ डाल दी है, डालनी कहाँ चाहिए थी, कोई मसला नहीं, रेवेन्यू में भी डल गई है तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी है, एड। बस हमने इसको रिवर्स करना है, बाकी जो आगे कहानी है वो देख लेंगे, पहले जरा इसको रिवर्स करके इजी मार्क्स ले लें जी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इंक्लूड का क्या मतलब, अकाउंटिंग वालों ने इसको डाला इधर, तो अकाउंटिंग वालों ने कितनी इनकम रिकॉर्ड कर दी है, इसको उल्टा दें, अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी जी 75,000। इसकी बजाय टैक्स वालों की देख लेते हैं, हो सकता है वो बैड डेट रिकवरी हो सकता है वो टैक्स बैड डेट हो। सो लेट अस वेस्ट टाइम टुगेदर, क्योंकि ये तो आसान एडजस्टमेंट है। वर्किंग 4, ये मैं स्क्रीन पे ही कर रहा हूं इधर ही। अब हम निकालने लगे हैं क्या टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी जी। बताएं अमाउंट रिकवर्ड
75,000 लेस एक्चुअल बैड डेट जी 80,000 लेस बोले बोले प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन जी बोले 40 जी 80 माइनस 45 35,000 ये नजर आ रहा है 40,000 कैमरे में ओके ये किनके वाली बैड डेट रिकवरी है ये टैक्स वालों का पॉजिटिव आ रहा है तो जब भी जवाब टैक्स वालों का पॉजिटिव आए तो उसे ऐड करना होता है ये टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी है हम ऐड करेंगे वेयर वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द टू द एक्सेस शैल बी चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम बता दिया करें ना वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन डिफरेंस बिटवीन दीज टू द एक्सेस शैल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सेस को इनकम फ्रॉम बिजनेस में ले जाएं अब मेरे पास यहां जगह नहीं बची तो यहां ऐड वाली चीजें ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जी 40,000 जी अगला पॉइंट क्रेडिटर क्रेडिटर होते हैं अनपेड क्रेडिटर का मतलब ही अनपेड है लेकिन ये नहीं कहना डेटर का मतलब अनरिसीव्ड है अपने से अल्फाज नहीं बनाने चलें जी आगे पढ़ें क्रेडिटर में 6,000 रुपया पड़ा हुआ रेंट पेबल विच वॉज अलाउड है रिडक्शन इन 2020 हम 2024 में हैं वी 21/23 वी 21/23 20 के अंदर एंट्री हुई होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट कितने से 6 से इसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस बता दें क्या हुए होंगे डिडक्शन हो गया होगा कितना 6 वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर एंड द पर्सन इज नॉट पेड द लायबिलिटी विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द डिडक्शन वॉज अलाउड देन इट विल बी एडेड इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर द एंड ऑफ 3 years. So, what are the tax consequences? So, it is income in 2024. 2024 में इसको income में डालेंगे. तो income बनाने के लिए क्या करें? Sign सोचें. Add कर दें. तो ये profit तक पहुंचे तो minus नहीं हुआ तो इसे आप add क्यों कर रहे हैं? यार ये profit तक पहुंचते हुए ना 2020 में minus हुआ था असल में. ये 20 के खर्चों में माइनस हुआ है तो फिलहाल अब 24 में मजबूरन ऐड करें ये ना सोचिएगा 24 के प्रॉफिट में ये नहीं हुआ कुछ इसको ये सजा बहुत पुराने जुर्म की है 20 में ये खर्चे में चला गया था अब उठा के 24 में हम किस में डालने लगे हैं इनकम में डालने लगे तो अनपेड क्रेडिटर्स सिंस 2020 से क्रेडिटर अनपेड है और हम किस साल खड़े हैं 2024
अब सवाल के मुंह पे देखें क्या रह गया, या साथ वाले के मुंह पे देखें क्या रह गया, सवाल के मुंह पे देखें क्या रह गया पीछे, सवाल के मुंह पे आ जाएं, सब हो गया, सवाल के मुंह पे आ जाएं, नजर मारें कुछ रह गया हो, क्या चीज रह गई, मॉडरेशन तुमने निकाल ली हुई है उसकी कंप्यूटर की, ये 200 रुपए भी तो नॉट अलाउड है। एडवांस इनकम टैक्स का क्या मतलब है, साल खत्म होने के वक्त हमने टैक्स जमा कराया या साल खत्म होने से पहले थोड़ा टैक्स जमा करा दिया था, हो सकता है हुकूमत के बंदे बंदे लेके आए हो कि यार हमें पैसे पुसे चाहिए तो हमने एडवांस में टैक्स जमा करा दिया हो, तो हमने साल में कोई एडवांस टैक्स जमा करा दिया है। तो बता दें 21 के में क्या पड़ा था, इनकम टैक्स खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है, इनकम टैक्स खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये क्या हो चुके हैं, लेस हो चुके, ऐसे क्या कर दें, ऐड कर दें 21 का ये, जी 2 लाख। दूसरी क्लास में 4 मिनट लगवाए थे इसको टोटल करने में, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, आप में से ना कोई एक बंदा जरा सही वाला टोटल करके एक दफा बता दे, ओवर हो गया जी, 1977000, बिल्कुल सही है, यही था मेरे ख्याल से, 1968700, इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर ये तो हमें पहले से प्लानिंग करके चलना चाहिए, इतनी सी जगह खाली रहेगी क्या करें, भाई कैंची लीजिएगा काट के इतनी जगह पेपर में घर ले जाइएगा, उस पर भी लिख लीजिएगा, हाँ दोगी 1968700। अच्छा अब जिनका ये टोटल नहीं आ रहा वो दूसरे के टोटल पे रिलाई कर लें और आगे चलें, जरा घर जाके चेक कर लीजिएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस, सिकंदर खान फ्रॉम मर्दान, इनका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपने, इनकम एंड, अब हम सवाल के मुंह पे आ गए हैं या सॉल्यूशन के मुंह पे, टैक्स ईयर 2024, इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं इसकी, बोलें, अगर इसमें कुछ करके भी आपने नहीं बतानी ना तो फिर जाएं 1968700। कैपिटल गेन, अदर सोर्स, कोई नहीं, तो बस इसको क्या कर दें, टोटल इनकम, कोई सेपरेट ब्लॉक तो नहीं, टोटल, याद है घरों में सुनते थे आप, मैं बोलता था घर में बैठ के सुनते थे टोटल, अच्छा तो टोटल की जरूरत नहीं क्योंकि सेपरेट ब्लॉक इनकम कोई नहीं है, वो लेक्चर लगते नहीं लिए तुमने, ले लिए हमें, ओके लेस ज़कात वगैरह, वैसे तो जरूरी नहीं है यहाँ ज़कात लिखना क्योंकि पेपर में अब वो गिवन नहीं है तो हम क्यों लिखें, लेकिन ऐसे ही टाइम ज़ाया करने के लिए वेले बैठे हुए जी, ये क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम, जाएं जी पेज 30-31 पे, आज इसको हमेशा के लिए बात को खत्म कर देंगे, पेज 30 यूज करना है या 31, भाई सैलरी तो है ही नहीं ना, या सैलरी जीरो है ये समझ लें, सैलरी जीरो कमा रहा है तो टैक्सेबल इनकम का अगर 75% लें तो सैलरी से कंपेयर करें तो सैलरी तो जीरो है, तो इसलिए सैलरी कम आएगी, तो इसलिए पेज 30 लगेगा, निकलवाएं जी टैक्स। ओ भाई अमीर बंदे आखिरी सीरियल लग रहे हैं इस पे, अमीर बंदा है 19.6 मिलियन कमा रहा है, 6 मिलियन से ज्यादा कमा रहा है, लेवल है सिकंदर का, बोले बोले 1220000 प्लस 35% ऑफ 6 मिलियन जी 1367000 बताएं जी, कैलकुलेटर पे साथ वाले कैलकुलेटर पे देख लें, निकल चुकी है फिगर 6010450। अच्छा ये फिगर मुझे देखी दिखने लग रही, सही निकाला आप लोगों ने, टोटल भी सही किया हुआ है, ओके ओके चेक कर लें, तो ठीक है यही होगी, कोई मसला नहीं, वो फिगर कितने लोगों की सही थी 1968700 वाली, ठीक है अब टैक्स कितने लोग कंफर्म कर रहे हैं, यही है 6010450।
नहीं न्यूमेरिकल तो वो फिर आप देखते हो एडजस्टमेंट्स मिक्स करके भी आता है चैप्टर 19 में, जैसे आपने देखे हैं सैलरी बिजनेस दोनों में से भी आ सकता है, कभी दोनों में से एक में से आ जाता है, कभी एओपी में से आ जाता है। तो ओके ठीक है जी, अब आप हजरात मुझे बता दें और कुछ करना है। अच्छा ये इधर देखें, नहीं फॉरेन टैक्स साइड तो कोई नहीं, इधर देखें अकाउंटिंग डेप्शन ऐड करके कौन सी डेप्शन माइनस कर दी थी, टैक्स डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ऐड करके क्या माइनस कर दी थी, अमोर्टाइजेशन। तो इनकम टैक्स यहां ऐड किया तो इधर लेस कर दें, लेस एडवांस इनकम टैक्स। ये मैं आज आपको एक नया टैक्स क्रेडिट बता रहा हूं, टैक्स क्रेडिट, एक नया टैक्स क्रेडिट है ये, इसको टैक्स माफ हो जाएगा 2 लाख रुपया, इसको 2 लाख रुपया टैक्स माफ हो जाएगा क्योंकि ये एडवांस में जमा करा चुके हैं, क्योंकि ये एडवांस में जमा करा चुके हैं, ये टैक्स क्रेडिट है, ये टैक्स क्रेडिट है। पहले मैं ऐसा करता हूं आपको दो जगह से दिखाता हूं ये, फिर उसके बाद समझाऊंगा, पहले दो जगह से आपको दिखाता हूं ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये टैक्स क्रेडिट है और ये टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में लिखा हुआ है, टैक्स क्रेडिट का चैप्टर, चैप्टर सिक्स में आए, पेज सेवेंटी पॉइंट फाइव, फॉलोइंग इज द तरतीब ऑफ, पहले कौन सा टैक्स क्रेडिट दे दें, फिर सेक्शन 61 to 63 का, फिर टैक्स क्रेडिट दे दें अगर आपने कोई एडवांस में टैक्स जमा कराया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि आपको बिजनेस के चैप्टर में बताऊंगा और आज फिर बता भी दिया है। अगर कोई आपने एडवांस में टैक्स हुकूमत को जमा करा दिया ना, तो हुकूमत साल के एंड पे कहेगी कोई नहीं यार ये इतना माइनस कर लो, और आपको याद है एडवांस में कोई भी चीज आप पे कर दें तो बाद में आप छूट मांगते हैं, जैसे आप फीस जमा करवा दें 20,000 में से 5,000 एडवांस में, तो जब आप आए तो फिर आप 20,000 जमा कराते हैं या 15,000 जमा कराते हैं, 15,000। तो अगर कभी भी ये बंदा एडवांस कोई जमा करा दे तो एडवांस के अगेंस्ट एडजस्टमेंट तो बननी चाहिए ना, साल के एंड पे इसको छूट मिलनी चाहिए। तो यहां तक एक एक आपको मैंने यहां से तसल्ली करा दी कि एडवांस इनकम टैक्स खर्चा नहीं है बिजनेस का, ये बात मैं अपनी जगह सेक्शन 21A को मैं इनकार नहीं कर रहा, खर्चा नहीं है बिजनेस का, वहां नॉट अलाउड करके ऐड कर दिया था, लेकिन कुछ तो बेनिफिट दे देना यार, जैसे अकाउंटिंग डेप्शन ऐड करते हैं तो टैक्स डेप्शन तो माइनस करने देना। तो ये नॉट अलाउड तो है बिजनेस के चैप्टर में, लेकिन कोई बेनिफिट तो दे दो ना, 2 लाख हमारे से लेके चले गए, कोई बेनिफिट तो दे दो, उधर तो नॉट अलाउड करके ऐड कर दिया लेकिन क्या बेनिफिट दे दें। तो एडवांस इनकम टैक्स पता क्या होता है, ये बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पर नॉट अलाउड है बट एज अ टैक्स क्रेडिट अलाउड है। बार बार बोले एडवांस इनकम टैक्स एज अ बिजनेस का एक्सपेंस 21A की रोशनी में नॉट अलाउड है बट एज अ टैक्स क्रेडिट अलाउड है। कोई तो बेनिफिट देना चाहिए ना 2 लाख रुपए का हमें। ओके वो ना न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट है एक चैप्टर में, चैप्टर 20 में पेज 431। तो यहां बिना ये पेंडिंग थी बात, देखिए अब मैं ग्रीन सिग्नल देने लगा हूं, लेस एडवांस टैक्स पेड ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस, सब ये पेंडिंग नहीं रहा, ये लेस किया करेंगे। ये पेज हमारी किताब का है ये 431। जैसे डिविडेंड का टैक्स पहले जमा कराए होते थे तो माइनस कर लेते थे, ऐसे ये वाला टैक्स आप पहले जमा कराए तो माइनस कर लें। अच्छा अब एडवांस टैक्स की आपने नेचर समझनी है और नेचर के मुताबिक ट्रीटमेंट समझनी है, लेकिन बड़ी गौर से समझनी है बात। क्या जी, एडवांस इनकम टैक्स इज इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के बारे में 21A कहता है ये बिजनेस का खर्चा, तो बिजनेस के खर्चे में ऐड कर दिया, ऐड करके प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ के हमारा टैक्स निकल आया। जब हमने टैक्स निकाल लिया तो जब हम टैक्स हुकूमत को पे करने जा रहे थे 60 लाख रुपए, तो हुकूमत ने कहा यार 2 लाख तो हम आपसे पहले जाते साल में ले गए थे, तो हम आपको इतने ज़रा छूट दे देते हैं टैक्स की। तो इट इज अ टैक्स क्रेडिट विच इज अलाउड, और बहुत सी चीजें एडलेस होती हैं। हाँ अकाउंटिंग डेप्शन ऐड होकर इधर ही लेस हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी अजीब बकरी सी चीज है, ऐड इधर हो रही है और लेस कहीं और आके हो रही है। चलें जी पेबल टू गवर्नमेंट 5840450।
भाई कितने लाख टैक्स बन गया सारे जो? 58 लाख। गुड। पंजाबी में भी पंजाब में बता देना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दे हजार लाख दे लाख, इस तरह आपको पता चलाया आपने यूनिट टेन उस तरह चले अंग्रेजों के तरीके। कमाया कितना था इसने? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दे हजार लाख दे लाख करोड़, 1,96,00,000। तो अगर बड़े होकर 1,96,00,000 कमाएंगे तो उसमें से 58 लाख हुकूमत को दे आएंगे? नहीं, क्या गाड़ी ले लेंगे उसकी, घर बना लेंगे उसका? 1,96,00,000 अगर कमाएंगे बड़े होके उसमें से 58 लाख दे देंगे तो हाथ खड़ा करें, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, कितने लोग बस ये फिगर्स देख रहे होते हैं, इस तरह नहीं सोच रहे होते 1 करोड़ पे इतना टैक्स बन गया 58 लाख? कितने लोग जो है वो इस तरह नहीं सोच रहे होते, हाथ खड़ा करें, वो फिगर्स देख रहे होते हैं, अच्छा 1,983, अच्छा यार टेबल से देखो यार कितना है, तो सोच भी लिया करें कुछ। अच्छा इस तरह, ओके इट्स ओवर। अब आप आए चैप्टर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पेज 375। ताहिर को जानते हैं ना? ताहिर ने बिजनेस शुरू किया था, वो कपड़े बनाने वाला, वो जो पिछली गली में रहता था। तो 2021 के बारे में उसने आपको ये डाटा दिया है, सेल कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन फाइनेंशियल चार्जेस अदर चार्जेस अदर इनकम, ठीक है जी। मशीनरी वगैरह कुछ ने इंपोर्ट किया है चाइना से, दे टैकल कर लेंगे, मशीनरी चाइना से इंपोर्ट किया, इनिशियल अलाउंस वगैरह डिडक्शन निकाल लेंगे, ओके। यार इसने एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस में सॉफ्टवेयर डाल दिया है, ये तो वही वाला बंदा निकला फिर सिकंदर जैसा। तो ताहिर पंजाबी ने सिकंदर पठान की सोबत में बैठ के वही गलती कर दी, किसने क्या कर दिया? बोले 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 975, इसका मतलब ये नहीं कि सोहबत में हर कोई इसी तरह होता है, मैं ऐसे एक मिसाल बात करती थी, 975 पे कर दिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, दिस सॉफ्टवेयर इज लाइकली टू बी यूज्ड फॉर 10 इयर्स, ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो ये खर्चों में डाल दिया है, पूरी कॉस्ट को उल्टा देंगे, इसकी जगह अमोर्टाइजेशन माइनस कर देंगे। अच्छा ये फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? प्री कमेंसमेंट, उत्तरी खैर, इसको भी इसने खर्चे में डाल दिया है, इसको खर्चे में नहीं डालना था, इसको खर्चे में नहीं डालना था, देख लिया आपने अभी, इसको 5 सालों पे आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालना है, इसको 20% स्ट्रेट लाइन लगाना है। तो ये भी ब्लंडर है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह कीजिएगा, पूरी कॉस्ट को उल्टा दीजिएगा और फिर 5 सालों पे आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करना है, अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सैलरी ये भी ब्रो को दे रहे हैं, आगे आप खुद ही देख लीजिएगा, ये कोई लीज वगैरह की कहानी है, पता नहीं ये अलग रहे आपको समझ आ जाए, कोई लीज की कहानी डालने की कोशिश की आई कैप ने, कोई रनिंग एंड मेंटेनेंस है व्हीकल की, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टाइप चीजें हैं। ये बिजनेस का डाटा खत्म हो गया, आगे क्या शुरू हो गई? बाकी ये यूएई में को 5 साल से रह रहे तो पाकिस्तान वापस आया था, ये प्रोविजन आपने खुद ही सोचनी है, मैं आप पे छोड़ा हूँ, इंशाल्लाह 90% बच्चे इसको सही सोच लेंगे, लेकिन अभी मैं बता नहीं रहा और आप भी मत बोलें ताकि हिंट ना मिले किसी को। तो यूएई में 5 साल से रह रहा था, आप पाकिस्तान आ गया, ये कोई बिजनेस के अलावा डाटा है। और प्लॉट बेचा इसने, ये तो वो सेपरेट ब्लॉक इनकम है ना, प्लॉट बेचना याद कैपिटल गेन के चैप्टर में। और हाँ, ये डिस्कशन मैंने आपसे करनी थी कि इसने शेयर परचेज किए हैं न्यू लिस्टेड कंपनी के और इसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस खुद जमा करवाई है, इसने नई कंपनी के शेयर खरीदे हैं और अपनी लाइफ इंश्योरेंस खुद जमा कराई है। निकालें चैप्टर 6। ये मैंने ना दूसरी क्लास में सर्कल लगा दिए हुए हैं, आप इन्हीं पे गुजारा चला लें। सेक्शन पे 65, अगर आप नई कंपनी के शेयर खरीदें तो भी सेक्शन 62 का टैक्स माफ होता है, ऊपर ना सर्कल देखे ना, नई कंपनी के शेयर खरीदें तो भी टैक्स माफ होते हैं और अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएं तो भी टैक्स माफ होते हैं। तो सेक्शन 62 में दो बेनिफिट है, बल्कि तीसरा बेनिफिट भी है एक सुकूक का। तो सेक्शन 62 कहता है कि अगर आप नई कंपनी के शेयर खरीद लें तो भी टैक्स माफ है, अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रहा, लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा लें तो भी टैक्स माफ है। तो ये दोनों जो है ना सेक्शन 62 में गिरते हैं।
ये दोनों सेक्शन 62 में गिरती हैं। नए शेयर खरीदने पे भी टैक्स माफ होगा और लाइफ इंश्योरेंस पे भी टैक्स माफ होगा। अच्छा जी, अब एक बहस है, आईकैप ने पता नहीं अपनी किताब में क्यों छेड़ दी हुई है, कुछ लोग उससे इख्तलाफ भी करते हैं। एक ही सेक्शन ना दो टैक्स माफ कर रहा है, तो मेरी भी वैसे यही राय है कि 9 लाख पे टैक्स माफ होना चाहिए, लेकिन पता नहीं आईकैप ने क्या लिखा हुआ है अपनी किताब में, लॉ में ऐसी बात नहीं लिखी हुई, तो जो आईकैप ने लिखी हुई उसी को हम फॉलो कर लेते हैं। आईकैप कहते हैं फिर दोनों में से एक टैक्स माफ कर दो, दोनों ना करो, हालांकि लॉ में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो फिर दोनों में से अगर एक टैक्स माफ करना है तो मेरे ख्याल से 6 लाख पर टैक्स माफ कर दें ताकि ज्यादा टैक्स माफ हो, तो इसलिए सोल्यूशन में 3 लाख पर टैक्स मैंने निकाला तो वह कितना क्रेडिट बनता है, लेकिन मैंने 6 लाख को ही मेन न्यूमेरिकल में माइनस किया हुआ है। तो असल में आईकैप की किताब में लिखा हुआ है 6 लाख और 3 लाख में से जिससे ज्यादा टैक्स माफ हो वो वाला टैक्स माफ कर दें इसको, हालांकि वैसे लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। बहरहाल आईकैप को फॉलो कर लें, तो सेक्शन 62 में बोले कितने टैक्स रेट हैं, 3, एक सुकूक्स के, एक लाइफ इंश्योरेंस के और एक नई कंपनी के शेयर खरीदने का। तो आईकैप की ये राय है जो बात लॉ में नहीं लिखी हुई कि फिर 2-3 अगर टैक्स रेट इकट्ठे एक ही सेक्शन में आ रहे हैं तो फिर सारे टैक्स क्रेडिट ना दें, सारी चीजें माफ ना करें, बल्कि कोई एक टैक्स माफ कर दें। तो फिर कौन सा टैक्स माफ करना ज्यादा बेहतर रहेगा, जहां पे ज्यादा बड़ी फिगर है वहां पे टैक्स माफ करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो 6 लाख और 3 लाख दोनों पे मैंने निकाला हुआ, लेकिन ऑब्वियसली हायर फिर 6 लाख पे आया हुआ है तो इसलिए वो माफ कर दिया हुआ है। तो हायर का लॉस लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये मैं अपनी तरफ से आपको बात बता रहा हूँ जो आईकैप की किताब में लिखी हुई है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है जो आपको शायद टफ टाइम दे सकता था। बाकी कितने लोग कोशिश करेंगे टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट ही हमारा मैच हो जाए एंड वाली फिगर, और अगर मैच ना हुआ तो एक दो दफा जरा नजर मार के सवाल को देखेंगे, तो मैच ना हुआ तो सोल्यूशन पे तो नहीं नजर चली जाती, नजरों की हिफाजत, तो सोल्यूशन पे नजर नहीं लेके जानी। और जरूरत किसी दोस्त से कहना कि अगर तुम्हारा मैच हो जाए तो तुम मुझे बता दो, मैं 4 घंटे लगा दूंगा लेकिन सोल्यूशन नहीं देखूंगा पेबल टू गवर्नमेंट जब तक मेरा मैच नहीं होगा। तो पेबल टू गवर्नमेंट मैं ही आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ पे देखो जरा पेबल टू गवर्नमेंट क्या है, जरा बता दो, इधर मैं लिखवा देता हूँ। पेबल टू गवर्नमेंट पूरे पे नहीं नजर पड़ेगी ना, अब बताओ पेबल टू गवर्नमेंट, तो बस ठीक है बाकी ना जाए आप 219781। चलें जी, जाएं साथ वाले को ले लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।